नमस्कार, सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज बात करेंगे सुबह बोलेगा में कोरोना काल इलाज पदहाल की। और कानपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तबेली जैसा है रामा डेंटल कोविड अस्पताल। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तबेली जैसा है रामा डेंटल कोविड अस्पताल। सेंटर में मरीजों को नहीं मिलती हैं दवाइयां और खाना पानी। सुमित गौड़ नाम के मरीज ने शिकायत करी है। मरीजों का वीडियो भी बनाकर शेयर किया गया है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रामा डेंटल कोविड हॉस्पिटल की हालत बस से बदतर हो चुकी है। मरीजों को टाइम पर दवा नहीं दी जाती, खाना नहीं मिलता है और पानी भी नहीं दिया जाता है। शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने बंधक बना लिया। बड़ी खबर कानपुर से बता रहे, जहां पर रामा डेंटल कॉलेज के कोविड सेंटर का ये पूरा मामला है। तबेली जैसा है रामा डेंटल का कोविड अस्पताल, तस्वीरें आपके सामने। आप तस्वीरों में देखिए, संतुष्ट है इस सेंटर से? क्यों भैया, आप लोग संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट हैं यहाँ से? सेटिस्फाइड हैं? नहीं है सेटिस्फाइड? ठीक है सर। बहन जी, आप सेटिस्फाइड हैं? कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं भैया। आप यहाँ की सुविधाएं तो बड़ी खराब है, कोई टेस्टिंग नहीं है, दवाई मांगते रहे, दवाई मिलती नहीं है। आप कितना कहते रहिए, एक डॉक्टर आएगा आपसे लिख के ले जाएगा, फिर 3 घंटे बाद दूसरा, फिर जाओ पूछो तो तीसरा निकल के आएगा, तो उसको लिख के दो, फिर थोड़ी देर बाद आएगा, फिर उससे पूछो, तो ओवरऑल शाम हो जाएगी, आपको अभी दवाई नहीं मिलेगी। मैं 5 दिन से एक दवाई के लिए कह रहा हूँ, मुझे दवाई नहीं मिलती। यहाँ पे बस बंद कर रखा कैदियों की तरह, कैदी बना के रखा हुआ है यहाँ पे, कोई फैसिलिटीज नहीं। जबकि गवर्नमेंट आप लोगों के लिए 1,40,000 रुपये रिलीज कर रही है फंड, वो आपका पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। धन्यवाद सर, इसको आवाज को मैं उठा रहा हूँ, आशा करेंगे आप लोग भी अपने वीडियो से वायरल करिए। कोई आरो नहीं सर, जी 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 जी। आप लोग भैया संतुष्ट हैं? हाँ, आप लोग ऊपर भैया, आप लोग, आपकी लोग, आप ही से बात कर रहा हूँ। आप लोग संतुष्ट हैं यहाँ से भैया खाने आने से? धन्यवाद भैया। क्या आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग संतुष्ट हैं इस सेंटर से? क्यों भैया, आप लोग संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट हैं यहाँ से? सेटिस्फाइड हैं? नहीं है सेटिस्फाइड? और सुमित गौड़ नाम के एक मरीज ने अपना ऑडियो भी वायरल किया, आपको वो भी सुना देते हैं। राजेश जी, पवन जी से बात हो रही थी मेरी अभी, तो वो कह रहे हैं कि आप उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि मेरी जांच कर लीजिए आप, मुझे छोड़ दी, तो उसमें कह रहे हैं हमारे पास फैसिलिटीज नहीं जाँच की, तो मैंने कहा ये आंसर मिला है, तो वो कह रहे हैं ठीक है मैं देखता हूँ अच्छा क्या होता। ठीक है, और वो एक नंबर और आपको दे रहे हैं दीपक का, दीपक का। दीपक से बात हुई आपकी? नंबर नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं हुई। करो, दीपक भी बड़ा अपना तगड़ा आदमी है। चलिए करता हूँ, अभी डीएम साहब का नंबर भी दे रहा हूँ आपको। ठीक ठीक, नोडल अधिकारी ही तो भैया लेंगे संज्ञान में, जो नोडल अधिकारी है ना वही करेंगे इसमें। यशवर्धन जी 1076 सीएम हेल्पलाइन में बात करिए तुरंत, मैं देखता हूँ उसमें क्या होता है। आज अकेले संघर्ष किया, आज अकेला संघर्ष कर रहा हूँ, अंदर बंधक बनाया गया हूँ पूरी तरह से, और ये समझ लीजिए मेरी लड़ाई नहीं है, ये अकेले की हर उस व्यक्ति की लड़ाई जो यहाँ बंधक बनाया हुआ। आवाज उठाओ, आप सब साथ देंगे आपका। मैं आवाज उठा रहा हूँ अकेले ब्रदर, यहाँ कोई नहीं है, मैंने अन्य जन सब त्याग दिया है, और यहाँ पे केवल यहाँ पे लोग सिक्योरिटी गार्ड है, और यहाँ पर ये लोग बैठे हंस रहे हैं, और यहाँ बैठे हैं, एक इनको लग रहा है कुछ होगा ही नहीं,
बाहर कोई है ही नहीं जो इनके भाई सब है, सब है, सब उनके रसूख वाले लोग हैं, इनको लगता है कोई आवाज उठाने वाला हो तो सब दब जाती है आवाजें यहाँ पैसों के दम पे, है ना, धन में, धन के अभाव में सब दबा ले जाते हैं। लेकिन सर मैं अपनी लड़ाई आखिरी तक लड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, अभी सब लोगों को मैंने फोन करा हुआ है, बातचीत करी हुई है। मैं गौड़ ब्राह्मण का भैया, मैं गौड़ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है मैंने, मैं अपने परशुराम की सौगंध खाता हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं अन्याय की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मित्र सब आपके साथ है, बिल्कुल चिंता न कीजिए। अभी जैसे पवन जी ने आपको फोन किया वैसे दीपक जी आपको फोन कर रहे हैं। रजय जी, पवन जी से बात हो रही थी मेरी अभी, तो वो कह रहे हैं कि आप उनसे कहिए, रिक्वेस्ट करें कि मेरी जांच कर लीजिए आप, मुझे छोड़ दी, तो उसमें कह रहे हैं हमारे पास फैसिलिटीज नहीं जांच की, तो मैंने कहा ये आंसर मिला है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं अब देखता हूँ अच्छा क्या होता है। ठीक है, और वो एक नंबर और आपको दे रहे हैं दीपक का, दीपक का। दीपक से बात हुई आपकी, नंबर दिया? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं हुई। करो, दीपक भी बड़ा अपना तगड़ा आदमी है। चलिए करता हूँ, अभी डीएम साहब का नंबर भी दे रहा हूँ आपको। ठीक ठीक, नोडल अधिकारी ही इस तो भैया लेंगे संज्ञान में, जो नोडल अधिकारी है ना वही करेंगे इसमें। नहीं तो आप 1076 सीएम हेल्पलाइन में बात करिए तुरंत, मैं देखता हूँ उसमें क्या होता है। कोई आज अकेले आज अकेला संघर्ष कर रहा हूँ, अंदर बंधक बनाया गया हूँ पूरी तरह से, और ये समझ लीजिए मेरी लड़ाई नहीं है ये, अकेले की हर उस व्यक्ति की लड़ाई जो यहाँ बंधक बनाया हुआ। आवाज उठाओ, आप सब साथ देंगे आपका। मैं आवाज उठा रहा हूँ अकेले ब्रदर, यहाँ कोई नहीं है, मैंने अन्य जन सब त्याग दिया है, यहाँ पे केवल यहाँ पे लोग सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पर ये लोग बैठे हंस रहे हैं। और यहाँ और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, हमने सुमित का जो ऑडियो था वो सुना और जो तस्वीरें हमने देखी, एक भी मरीज वहां पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है वहां की व्यवस्थाओं से, और सुमित लगातार यही कह रहा है कि वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो अपनी जान दे देगा। समय है, चलो सुमित, और जो उसके अन्य मरीज हैं जो वहाँ पर भर्ती हैं रामा हॉस्पिटल में, जैसा कि मुझे अभी बताया गया, ये खबर चलने से पूर्व मैंने दरियाफ्त की सारी चीज़ों की, तो मुझे बताया गया कि 1000 बेड की क्षमता है रामा जो कोविड हॉस्पिटल है, और उनका ये दावा है, उनका ये कहना, उनके जिम्मेदार लोगों का इस बात का कहना है कि कानपुर में 400-500 मरीज रोज आ रहे हैं। अब कानपुर के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें क्षमता नहीं है इतनी कि वो इन मरीजों का जो लोड है, प्रेशर है, उसको झेल सकें, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब जब ज़्यादा पेशेंट होंगे तो मैनेजमेंट ऐसा ही होगा। बेहद गैर जिम्मेदाराना, बेहद बेहुदा बातें कर रहे हैं रामा हॉस्पिटल के लोग, और देखने में इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं वो भी हैं कि आप उस तस्वीरों में देखिए, ये अस्पताल है कोई? सृष्टि इसे अस्पताल कहते हैं, वो भी कोरोना जो मरीज हैं जो इतना सेंसिटिव होते हैं, जो मानसिक रूप से अपने आप में डरे होते हैं, सहमे होते हैं, मानसिक अवसाद का शिकार होते हैं, क्या ये अस्पताल दिख रहा है आपको? मैंने जो देखा, मुझे तो अस्पताल दिख नहीं रहा, मुझे तो किसी बहुत ही पुरानी सराय, एक जर्जर सराय, जो जर्जर से होटल रेलवे स्टेशनों के आसपास होते हैं उसका दृश्य दिख रहा है। मुझे तो जानवरों का तबेला जैसा दिख रहा है, और इंसान जानवरों के रूप में वहाँ फड़फड़ा रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं। वो आदमी जो सुमित है, अब वो धरने पर बैठ गया, जैसी मेरे पास खबर आई कि कोरोना पीड़ित व्यक्ति धरने पर बैठ गया है। कानपुर के जिला प्रशासन को, यहाँ के सीएमओ को कम से कम इस मसले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह है सृष्टि। बनारस में बीएचयू के हॉस्पिटल से की चौथी मंजिल से इन्हीं कमोबेश इन्हीं परिस्थितियों के कारण एक मरीज ने कूदकर आत्महत्या कर ली। आज भी एक मुरादाबाद से वीडियो आया, घटना कल की है, लेकिन वीडियो सामने आज आया कि एक बैंक मैनेजर जैसे जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति ने, वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, और वो चौथी मंजिल से कूद गया। वो हैरतअंगेज, वो डरावना, वो डरा देने वाला, अंदर तक कपा देने वाला वीडियो लगातार हम दर्शकों को अपने दिखा रहे थे कि किस तरीके से एक पुतले की तरह वो नीचे आकर गिरा। ये कैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, ये कैसी स्थितियां हैं भारत देश में, बहुत ही गंभीर स्थिति है। और रामा हॉस्पिटल जैसे लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, वो नोट छापने का काम कर रहे हैं। अगर अब ऐसे मौके पर अगर किसी डॉक्टर को आप कहिए तो तुरंत वो दुहाई देगा कि डॉक्टर बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि काम कर रहे हैं,
इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन जो अस्पतालों के मालिक हैं, जो डॉक्टर नहीं हैं, जो विशुद्ध व्यवसायी हैं, जो अगर जो डॉक्टर वाले हॉस्पिटल हैं, जिनके डॉक्टरों के स्वामित्व वाले अगर अस्पताल हैं, तो उनमें सृष्टि कम से कम ये बात देखने को मिली, थोड़ा में थोड़ा कहीं ना कहीं मुलायजा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंदर थोड़ी बहुत संवेदना बची है। लेकिन जो इस तरीके के जो व्यवसायियों के अस्पताल हैं, रामा हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, इसी तरह मंदना का महाराणा हॉस्पिटल बात कर लीजिए, लखनऊ के दर्जनों प्राइवेट हॉस्पिटल, इनके स्वामित्व में बहुत कम डॉक्टरों के हॉस्पिटल हैं। लेकिन ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं कि जो डॉक्टरों के स्वामित्व वाले हॉस्पिटल हैं उनमें बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये भी ऐसा नहीं है। लेकिन सभी को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये इसकी जो स्थिति देखने को मिली वो बिल्कुल भयावह स्थिति है। अब वो मरीज कह रहा है कि मैं नेगेटिव आ चुका हूँ, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, मुझे बंधक बना लिया गया है, ये तो अपराध है। भेजा किसी को भेजा हिरासत में रखना, ये कहाँ का सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? और अभी जो वहाँ का दृश्य देखने को मिला, ज़्यादातर मरीज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। एक मरीज अपनी आप बीती बता रहा है सृष्टि, उनका ये कहना है कि 5 दिन से उन्हें एक दवा के लिए कितनी बार उन्होंने कहा लेकिन दवा नहीं मिल पाई। भाई कोरोना की जो सटीक दवा तो आज तक बनी नहीं, अचूक दवा बनी नहीं, जो सप्लीमेंट्री ड्रग्स हैं, जो एक तरीके से उस जो सिम्टम को कहीं ना कहीं कम करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, उस तरीके की दवाएं भी अगर इन मरीजों को नहीं मिलेंगी और 5 दिन मिलेंगी, तो आप देखिए 7 दिन और 12 दिन 14 दिन का जो पीरियड है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर पहले 5 दिन उनको दवा ही नहीं मिलेगी, सृष्टि वो क्या इलाज कराएंगे? क्या उनकी जान खतरे में नहीं डाल रहे हैं हॉस्पिटल? बड़ी बड़ी गंभीर स्थिति देखने को मिली है। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पाती, और तो और एक और बात सामने आई है इन तस्वीरों में, आरओ के पानी की बात की जाती है, पानी भी साफ नहीं दिया जा रहा है मरीजों को। साथ ही साथ ये भी मरीज कहते दिख रहे हैं कि 10 दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई, मतलब किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर मरीजों के लिए की नहीं गई। और सर 1,40,000 रुपए दिए जाते हैं एक मरीज की देखरेख करने के लिए, कहाँ जा रहा है ये पैसा? जो ये अमाउंट है, आप अभी हम जो एक लिस्ट दिखा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, एक दवाओं जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो एक लिस्ट हम दिखा रहे हैं, सरकार ने वो रेट तय किए हैं। आप देखिए कि मिनिमम 13,000 रुपये हम ले सकते हैं, और मिनिमम 13,000 से लेकर 18,000 तक का मामला है। अब किसी मरीज को 10 दिन रखें तो 1,30,000, 11 दिन रखें तो मुझे लगता है कि 1,00,000 से ऊपर। लेकिन अमूमन जो मरीज वहाँ हैं वो कहते सुने जा रहे हैं कि 1,40,000 के आसपास उनके हिस्से का, जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मरीज, उनके हिस्से का सरकार दे रही। तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैसे कसूरवार हो सकते हैं, जब वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं? प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ने थैली खोल दी है, अपना खजाना खोल दिया है कि गरीबों की जान बचाइए, साधनहीनों की जान बचाइए। लेकिन ये अस्पतालों ने मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीरता से ले लिया है। आपदा में अवसर तलाशने का जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसको बेहद गंभीरता से ले लिया है। ये आपदा में जबरदस्त अवसर तलाश रहे हैं, ये मरीजों को पशुओं की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और सरकारी खजाने का पैसा नाजायज रूप से, मिलीभगत से, इसमें निश्चित तौर पर, अब मैं कहूँगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूँ सृष्टि, कि इसमें जिला प्रशासन के लोग, इसमें स्वास्थ्य महकमे के लोग निश्चित तौर पर मिले हुए हैं, और बहुत सारे जिलों से, उत्तर प्रदेश के और देश के अन्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो जहाँ तक हम लोग अपनी रीच रखते हैं, उन राज्यों से खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे जिला अधिकारी हैं जिन्होंने आपदा में अवसर तलाश लिया है। एक जो कोविड का प्रबंधन है, चूँकि मैं दर्शकों की एक बात और बता दूँ सृष्टि, कि इस तरह की जो आपदाओं में पैसा खर्च होता है उसका कोई ऑडिट की कोई व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि ऑडिट ना होने का डर, ऑडिट होता नहीं है, पैसे का हिसाब किताब कोई मांगेगा नहीं, आपदा के नाम पर आप खर्च करते रहिए। तो यही काम ये कर रहे हैं, चाहे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अस्पताल के लोग कर रहे हैं कि भाई हम CMO को एक लिस्ट बनाकर देते हैं कि आइए फला मरीज कोविड पॉजिटिव था, नेगेटिव आ गया, उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं CMO के यहाँ से अप्रूवल लेने के बाद। 3-3, 4-4 दिन ये CMO को लिस्ट ही नहीं भेज रहे हैं, और भेज रहे हैं तो CMO कार्यालय में पड़ी हुई है। तो दोनों के मिली भगत है, निजी अस्पताल, CMO, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ये जबरदस्त तरीके से आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है, मरीजों की हालत बहुत बुरी है,
और प्राइवेट अस्पताल वाले कह रहे हैं कि भाई ये 500 मरीज एक दिन में आएगा, मेरी क्षमता 1000 मरीज की है। जैसा कि रामा के अस्पताल के लोगों से जो जानकारी मिली कि वो कह रहे हैं कि भाई जब मेरी क्षमता 1000 है, मुझे लगातार मरीज भेजे जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं तो ऐसी जगह रखूंगा, तबेले जैसी जगहों पे मरीजों को रखूंगा। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन या व्यवस्था करने वाले लोग, रोज दोपहर को उत्तर प्रदेश शासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य हैं वो सारी बातों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या प्रबंधन किया गया, हमारे पास कितने अस्पताल हैं, कितने बेड हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद भी नीचे का हाल ये है, इसे कौन देखेगा? क्या मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ देखने के लिए? क्या मुख्यमंत्री एक एक अस्पताल का दौरा करें और देखें कि किसकी थाली में खाना है कि नहीं है, किसके बेड पर दवाएं हैं कि नहीं है? जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, शिव नारायण है कानपुर से, सवाल राय रखिए अपनी। शिव नारायण जी, राय रखें अपनी। और हमारे साथ डॉक्टर वी एन त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीएमआई जुड़ चुके हैं, आशु खान मुरादाबाद से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद कैफ वाराणसी से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन जी लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, मुरादाबाद का भी जो घटना हुई, बनारस की जो घटना हुई, मरीजों ने जो कदम उठाया, उसके बाद सुमित का ऑडियो हमने सुना, आप देखिए इस तरीके की खबर जब लोगों तक पहुंचती है तो एक डिप्रेशन, उनके मन में तनाव होगा, वो तनाव लेने लगेंगे और डरने लगेंगे अस्पताल जाते समय, क्योंकि अस्पतालों की व्यवस्था उनके सामने और उनको पता है कि उनका इलाज नहीं होगा और उनको दवाइयां नहीं उपलब्ध करवाई जाएंगी, खाने की बात तो छोड़िए, पानी भी नहीं दिया जाएगा। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? दुर्गेन सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सृष्टि, आवाज मुझे थोड़ी बहुत मिल रही है, पूरी प्रॉपर आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन आप सवाल करें। जी सर, मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आई, मुरादाबाद की एक खबर हमने दिखाई, बनारस की खबर हमने सुनी, उसके बाद सुमित का ऑडियो भी हम सुनते हैं, जिस तरीके से ये बातें जो सामने आ रही है, हमारे जो मरीज है वो तनाव लेंगे, एक उनके अंदर गलत असर पड़ेगा, उसके बाद उनको पता है कि अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, वहां पर खाने का इंतजाम नहीं होता, दवाइयां उपलब्ध नहीं होती, एक डर बन जाएगा, वो अस्पताल नहीं जाएंगे, इससे और भी चिंताजनक स्थिति बन जाएगी। सर सृष्टि, अगर देखा जाए तो कोरोना का जो मसला है उसमें जो पौष्टिक डाइट है वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जी। अब सवाल है कि पौष्टिक तो छोड़िए, डाइट ही नहीं मिल रही है, एक इतर ये मसला ये हो गया कि जब डाइट ही नहीं मिलेगी, पौष्टिक की बात तो बाद में आती है, जब आपको खाना मिल रहा हो और व्यवस्थाएँ दुरुस्त हों तब आप पौष्टिक और गैर पौष्टिक की बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो व्यवस्था यही है कि भोजन की व्यवस्था है नहीं, सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। लेकिन आप देखें कि जो मरीज हैं, भोजन में तो जैसे तैसे जो कुछ है वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, हालांकि उनकी सेहत पर विपरीत असर पड़ेगा, लेकिन दवाएं नहीं मिल रही सृष्टि, जो ये बड़ी चिंताजनक बात है, ये बेहद गंभीर बात है कि जो मरीज इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ है, अगर उसको दवाएँ नहीं मिलेंगी तो फिर वो अस्पताल में क्यों है? सबसे बड़ा सवाल है कि अस्पताल में वो क्यों है। डॉक्टर वी एन त्रिपाठी जी जुड़े हैं, बहुत अनुभवी हैं, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा महकमे से, चिकित्सा शिक्षा महकमे से, जिसके अंडर तमाम मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, वो लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, मुझे लगता है कि 6-7 तक वो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक रहे हैं, एक जाने माने डॉक्टर हैं, और जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है भारत में, जो अभी कंसीव किया जा रहा है, जो वैक्सीन तैयार हो रही हैं, मुझे जो जानकारी है कि डॉक्टर त्रिपाठी उस वैक्सीन के जो स्पेशल प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और प्रमुख भूमिका में है, तो इतने योग्य व्यक्ति हमारे साथ में हैं आज डॉक्टर वी एन त्रिपाठी जी, हम उनसे भी तमाम सवाल करेंगे। लेकिन सृष्टि, अस्पतालों की जो संवेदना है, जैसे जो पहले हम सरकारी अस्पताल के लोगों को बहुत कटघरे में खड़े किया करते थे कि सरकारी अस्पताल के लोग काम नहीं करते, सरकारी अस्पताल की नर्सें भाव नहीं देती, सरकारी अस्पताल के जो वार्ड बॉय हैं वो बदसलूकी करते हैं। सृष्टि, जो निजी अस्पताल हैं जिनमें हम पैसे देकर जाते हैं, मोटा पैसा देकर हम जाते हैं, उन अस्पतालों की हालत ये है कि वहाँ सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा खराब स्थितियाँ हैं। और आप अभी जो तस्वीर रामा हॉस्पिटल की देखी गई वो बेहद चिंताजनक तस्वीर है,
और इस पर जो सबसे बड़ी बात है कि अव्यवस्था पर बात कोई नहीं कर रहा। आप देख लीजिए, जो प्रशासन है, जो सरकारी महकमा है, अव्यवस्था पर बात करने का मतलब ऐसा लग रहा है कोई आप राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। अगर आप किसी अधिकारी से आप शिकायत कर दें तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। शिकायतों को सकारात्मक रूप से ना लेकर वो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ये हालत हो गई है कि वो इसको सुनना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप उसको आईना दिखाइए, लेकिन हमारा काम है सृष्टि, हम आईना दिखाएंगे। हम लगातार चीज़ों को देख रहे हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी में हैं, बनारस से तमाम शिकायतें आ रही थी कि वहाँ के प्राइवेट अस्पताल लूट कर रहे हैं और वो लोगों को ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं। बनारस में ही BHU की बिल्डिंग से एक कोविड पेशेंट कूदकर मर गया। वहाँ एक दूसरा मरीज जो भर्ती था BHU में, वो अचानक लापता हुआ, अगले दिन उसकी लाश मिलती है। कैसा कुप्रबंधन है, कैसी व्यवस्था है। मुरादाबाद की तस्वीर देखी, कानपुर की तस्वीर देखी, दिन भर कोरोना को लेकर दिन भर तरह तरह की खबरें सृष्टि आती हैं, लेकिन उन खबरों में कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि हम कहीं किसी सही ट्रैक पर जा रहे हैं। दावे बहुत बड़े बड़े हैं, दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कागजों में अस्पताल बहुत सारे बढ़ जा रहे हैं, टेस्ट सेंटर बहुत सारे बढ़ जा रहे हैं, और देखने में ये भी आ रहा है कि जो व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री जी टीम 11 की बैठक के साथ करते हैं रोज, वो नीचे तक मुझे लगता है कि अभी जो इनके जो मशीनरी है, सिस्टम है, वो अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दावे नीचे के अधिकारी गोलमोल रिपोर्ट दे रहे हैं, ऊपर ये रिपरकेशन हो रहा है कि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। आज मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर समीक्षा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत हद तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में, अगले 2-4 दिनों में, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मंडल जाकर जो कोविड की समीक्षा करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जी, हमारे साथ उमेश जैन जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं मेरठ से, राय रखें अपनी। हेलो जी उमेश जी, राय रखें अपनी। जी मैं अशोक यादव बोल रहा हूँ, कानपुर नगर से। जी राय रखें अपनी। हेलो जी, अपनी राय रखें, आपकी आवाज आ रही है। जी मैडम, मैं एडमिट था रामा डेंटल हॉस्पिटल में। ठीक है जी। जी मैं COVID-19 पेशेंट हुआ था और साथ में एक हमारे घर पे और भी थे पेशेंट, बच्ची थी, खुशी यादव नाम था उसका। जी जी, हमने मैडम वहाँ पे ना तो दवा दिया जाता था और खाना तो इतने घटिया क्वालिटी का था मैडम। मैंने DM साहब से भी शिकायत करी थी, उनकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, और तहसीलदार से भी, CMO से भी, सबसे शिकायत भी किया था, हमारे पास वीडियो ऑडियो थी, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई मैडम। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ते चले जा रहे हैं। रामा डेंटल की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, कितनी बदहाल तस्वीरें यहाँ पर सामने आई, चिंताजनक तस्वीरें सामने आई है। मरीज किस तरीके से चिंता में है, मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, मरीजों को खाना नहीं दिया जा रहा टाइम से, सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरीके से वहां पर सफाई भी नहीं होती है, RO के पानी की बात की जाती है, पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता। इतनी ज्यादा चिंताजनक स्थिति यहाँ पर सामने आ चुकी है। 1,40,000 रुपए एक मरीज का दिया जा रहा है, लेकिन पैसा कहां जा रहा है ये किसी को नहीं पता है, और हालत बस से बदतर होती चली जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से इस समय हालात हो चुके हैं कोरोना के, जो स्थिति इस समय बन चुकी है, कम्युनिटी स्प्रेड की बात की जाए तो किस स्टेज पर है कोरोना इस समय? बढ़ोतरी होती चली जा रही है, तो अगर स्टेज की बात की जाए तो किस स्टेज में है इस समय? बिल्कुल मैडम, आप जो कह रही हैं, इसके पहले हमारे और वो कह रहे थे मीडिया के लोग, काफी हद तक जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री या हमारे मुख्यमंत्री जी की नीति और नियत पे नहीं दिक्कत है, ये हमारे जो अधिकारी लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चाहे कानपुर हो, मुरादाबाद हो, बनारस हो,
वो अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही है और प्राइवेट अस्पताल जो हमारा निर्धारित सरकार ने जो रेट तय किए हैं, जो सुविधाएं तय करी हैं और जितना वो करा है वो नहीं दे पा रहे हैं। एक तरह से जैसा आपने कहा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मुझे दुख भी होता है और दर्द भी होता है कि ये जो प्राइवेट अस्पताल है खासतौर से, ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है जनता के प्रति। इनका जो है वो पैसा लेने के बावजूद भी, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, मरीजों को ठीक से सीनियर डॉक्टर देख नहीं रहे हैं। ये सरकारी अस्पतालों में भी शिकायत है और मेरा यही है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक दुर्बलता, प्रशासनिक क्या कहें कि एक उनकी एक कमी, और जो जिले की अधिकारी हैं, जो इंस्टीट्यूशन या मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल के जो अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए सख्त सख्त एक्शन लें और जो प्राइवेट अस्पताल, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सरकारी या वो जो इसमें जरा भी कोताही कर रहे हैं, एक्सेस चार्ज कर रहे हैं और मरीजों की देखभाल नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई करें। और सरकार सक्षम है, ये ना समझे सरकार इनका मेडिकल कॉलेज प्राइवेट या अस्पताल है वो बंद करा सकती, लाइसेंस निलंबित कर सकती है, उन पे FIR करा सकती है। और बिन भय हो न प्रीति, ये पुरानी कहावत है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, केवल कहने की बात नहीं, मुंह से हमारे सभी लोग कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ठोस एक्शन लें। जनता बहुत भयभीत है, परेशान है, आर्थिक लूट हो रही है और रोगियों को या कोविड के जो मरीज हैं इनको ठीक से चिकित्सा नहीं मिल रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। का आपने कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए और इसको लेकर के सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारे साथ ऋषभ जुड़ चुके हैं पीलीभीत से, अपनी राय रखें जी। ऋषभ अपनी राय रखें जी। अभी दो दिनों पहले हमारे पीलीभीत में ये वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों को बेवजह सताया जा रहा है। एक महिला थी, ये ईदगाह रेलवे क्रॉसिंग की घटना है, महिला प्रेग्नेंट थी तो वहाँ पर एक PSI मौजूद थे, उन्होंने उसकी बाइक को, जो पीछे महिला बैठी हुई थी उसकी साड़ी पकड़ के खींचा तो वो गिर गई, प्रेग्नेंट महिला थी उसको चोट भी आ गई। उसके साथ में उनके हस्बैंड थे, बावजूद उसके पुलिस वाले उनको छोड़ के भाग गए, उनकी देखभाल नहीं की। उसके बाद कुछ पुलिस के लोग वहां पर आए और जबरदस्ती उनको उठा के उनके साथ बदतमीजी कर उन्हें अपने साथ ले गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, बदहाल जो इलाज है, इलाज नहीं मिल रहा है, मरीज परेशान हो चुके हैं, दवाइयां उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और रामा डेंटल की जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई वो बेहद चिंताजनक है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की छड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS एजुकेशन ग्रुप launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 और विजिट द कैंपस, कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं जो इस समय कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में इलाज नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जो व्यवस्थाएं है उसके ऊपर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुमित गौर जुड़ चुके हैं जिसका ऑडियो आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले सुनाया था। रामा डेंटल में वो एडमिट थे और किस तरीके से व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने बताया कि आपको बंधक बना लिया गया है, किस तरीके से व्यवहार आपके साथ किया जा रहा था, जानना चाहूंगी मैं। मैडम, मैं पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे स्वयं भुक्तभोगी हूँ और मैंने जिस प्रकार से मात्र एक वीडियो बनाया था जिससे कि जो सरकार जो सुविधा दे रही है और उसका दुरुपयोग यहाँ पे किया जा रहा था। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था और वो आशीर्वाद है माता रानी का कि वो सफल भी हुआ है और आप लोगों के माध्यम से ये आवाज जन जन तक पहुंची है। बहुत बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी, खाना बदबू मार रहा था। कल रात को मुझे जो खाना दिया गया वो खाना इतना बुरा था कि मैं आपको बताऊं, मैंने तो क्या, कई लोगों ने जो मेरे अगल बगल थे मैंने बैल्कनी से उसको फेंका है, वो बदबू मार रहा था। उसके बाद दवा दी गई मुझे जो कि मैंने खा ली और मुझे वॉमिट हो गई और मैं बेहोश होने की स्थिति में आ गया था। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं था, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को कोई आंसरेबल नहीं है। कुल मिला के मैंने इसी बात के जब वीडियो बनाया तो मुझे बाद में ये दबाव बनाया गया कि आप एक और वीडियो बना दें जिसमें कहा जाए कि आप कहें कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। मैंने मना कर दिया है कि मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी बात मैंने रखी है बेबाकी से। सरकार इतना ध्यान दे रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है, मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं कभी भी इस तरह का गलत वीडियो बना के वायरल नहीं करूंगा। मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैंने अपनी जो मुझे उचित लगा मैंने किया। मैं जी सुमित, हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। दुर्गेन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ सुमित जी बने हुए हैं। दुर्गेन जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से व्यवहार उनके साथ किया जाता था, जो खाना दिया जाता था वो बदबू मारता था और अगर उस खाने को खा लो तो उल्टी हो जाती थी। सारे मरीजों के साथ यही व्यवहार किया जाता था और जब उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश करी तो उनको बंधक बना लिया जाता, उनको लगातार धमकाया जाता है। सृष्टि, अभी सुमित है क्या वहां पर हॉस्पिटल में या अभी भी बंधक बनाए हुए हैं उन्हें? सुमित, इस समय आप कहाँ पर हैं? सर, मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, उनके प्रांगण में मैंने अपना अन्य जल त्याग दिया था और निरंतर पत्रकारों के फोन आ रहे थे, मैं उसको भी अटेंड कर रहा था और अपना स्वास्थ्य को मैं गिरता हुआ महसूस कर रहा था। कई बार मैंने फोन कट भी गए, मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैंने सर कल से यहाँ जल भी नहीं पिया। कोई आर ओ का दावा करने वाला ये मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर जो वॉशरूम में पानी जा रहा है वही पानी लोग पी रहे हैं, पेशेंट पी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोई यहाँ व्यवस्था नहीं खाने पीने की। मंदना का हॉस्पिटल है या कल्याणपुर का? दवा भी नहीं ले पाया, मैं बेहोश हो गया था। मुझे कल मेरे रूम पार्टनर सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंदना का हॉस्पिटल या फिर कल्याणपुर का? ये सर मंदना का, मैम ये मंदना कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। ठीक बात है। सुमित बताएं, अभी सुमित धरने पर भी बैठ गए थे। सृष्टि, लगातार वो अनशन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखाएं सुमित की जिस पर वो धरने पर बैठे हुए हैं और किस किस तरीके से दबाव बना रहा है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ का जो प्रशासन है, रामा मेडिकल कॉलेज जो कोविड हॉस्पिटल है वो किस तरह दबाव बना रहा है, ये बताएं सुमित। सुमित, आपके ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, क्या कुछ आपके साथ हुआ? मेरे पास, मैंने जब ये वीडियो इनके पास आया है, इन्होंने कहा ये वीडियो आपने वायरल किया, मैंने कहा हाँ मैंने ये वीडियो वायरल किया है। मैंने वायरल क्या किया, मैंने तो अपने शुभ चिंतकों को भेजा था, अगर ये ऊपर तक चला गया तो इसमें मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने सत्य कहा है। बोले आपको जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी इस प्रकार का वीडियो बनाने की, आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप इस प्रकार का वीडियो बनाए? तो मैंने कहा कि सर ये सच्चाई थी जो मैंने एक साजनी करी है, तो मुझे नहीं पता था कि इस कदर चली जाएगी और आप लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने एक सज्जन आए, करीब 18-19 लोगों की टीम थी पूरी, मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाने लगे जिसमें कुछ ब्लैक कैट कमांडो टाइप कुछ गार्ड भी थे, वॉकी टॉकी लिए हुए थे और मैंने कहा मुझको दबाव मत बनाइए, मुझे आप किसी भी स्थिति में दबाव नहीं बना सकते हैं, मैं खुद ही मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, प्लीज मेरे ऊपर दबाव मत बनाइए। तो उसमें कुछ लोगों ने फिर हटे वहां से, उसके बाद उन्होंने कहा आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आप जो है चले जाइएगा घर, और लेकिन फिलहाल आप जो है इस तरह का वीडियो मत वायरल करिए। ये क्या है, इनको क्यों बंधक बनाया गया है, ये क्या करते हैं, तमाम सवाल हैं। जी
दुर्गेन जी, इनकी समस्या ये है कि इन्होंने जब आवाज उठाई तो उनको 18 से 20 लोग आते हैं धमकाने के लिए। आवाज उठाना कुछ गलत नहीं है, जो सच्चाई थी वो उन्होंने सामने रखी, उसमें इनकी गलती नहीं थी। ये क्यों आवाज उठाते हैं, ये इनकी समस्या क्या है? ये कोरोना जैसे कह रहे, कोरोना नेगेटिव है, इनको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, इनको जबरन रोके हुए हैं, ऐसे कितने और मरीज हैं? तमाम सवाल सामने आई है। आपकी रिपोर्ट निगेटिव थी, आपको अस्पताल से जाने नहीं दिया जा रहा है, बंधक बना लिया गया है। बताना चाहूंगा मैम कि मैं मुझे 21 तारीख को फीवर आया था, 21 अगस्त को मैंने अपने आप को होम आइसोलेशन में ले लिया था और मैंने पैरासीटा वगैरह जो प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए सब कुछ फॉलो किया, मैं बिल्कुल फिट हो गया था और मैं केवल यहाँ पर फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो केवल वो सलाह लेने आया था और मुझे ये कहा गया कि आप यहाँ पर रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा ठीक है सर, और ये इन्होंने सर मुझे बंधक बना के रख दिया। और मैंने जब यहाँ स्थिति देखी कि यहाँ पे ये सब हो रहा है तो मैंने एक वीडियो वायरल किया जिसका परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं मेरे साथ ये व्यवहार किया गया। सुमित, आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज आज सबके सामने है, क्या कुछ आपके साथ हुआ ये हम दिखा रहे हैं लगातार। और कितने मरीज है वहाँ पर जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? यहाँ मैम बहुत से मरीज हैं जिनको आपने वीडियो में देखा, जो मेरे छोटे से कैमरे में आ सके। बाकी यहाँ की स्थिति आप अगर पूरे कैंपस की जानना चाहेंगी तो बहुत ही यहाँ की स्थितियाँ बहुत भयावह हैं, बहुत दयनीय स्थितियाँ। जहाँ सुमित भर्ती हैं वहाँ वहाँ कितने लोग होंगे आसपास, इनसे पूछिए कितने, 200-400 लोग हैं, 500 लोग हैं, कितने लोग हैं और जानवरों की तरह लोग नजर आ रहे हैं वहाँ भरे हुए जी? मैं सब कुछ जैसे ही यहाँ पर मैं बैठ गया, मैंने कहा कैंपस के प्रांगण में जब ये लोग पूरे लोग दबाव बनाने लगे, मैं बैठा था फर्श पे बैठ गया था और लोग जब मेरे साथ बोलने के लिए खड़े हुए छज्जे पे, इन्होंने गार्ड के कह के उनको सबको दबाव बना के अंदर करवाया कि आप लोग तत्काल हट जाइए। गार्ड गए, उनको अंदर कर दिया, सबको कहा कि आप लोग अपने रूम में जाइए, हटिए यहाँ से, और सब हट गए। और कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपने आवाज उठाई है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कम से कम आवाज उठाई तो यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। 10-10 दिनों तक लोग यहाँ कैसे रो रो के कहा अपना समय काट रहे हैं। बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए सुमित, बहुत अच्छा आपने काम किया, जो सच्चाई को आपने सबके सामने रखा है, क्योंकि बहुत सारे मरीज वहां पर है जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, चिंता का विषय है ये। दुर्गेन जी, वहां पर 21 तारीख को सुमित को फीवर आता है, वो सिर्फ जांच के लिए वहां पर जाते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि तुम यहीं पर रुको, यहां पर व्यवस्थाएं सारी अच्छी है और यहीं पर रहो, तुम्हारा इलाज यहीं पर किया जाएगा। यानी सिर्फ पैसा लेने की वजह से सुमित को यहाँ पर रोका जाता है और बंधक बनाया जाता है। निश्चित तौर पर सरकारी धन की लूट है, आम आदमियों के पैसे की लूट है। और जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी जी कह रहे हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत दिनों पिछले कई डिस्कशन में डॉक्टर त्रिपाठी जी से बात हुई है, तो वो शुरुआती दौर में जो तस्वीर दिख रही थी वो इस बात पर वो नाराज भी होते थे जब हम लोग इस बात को रखते थे कि नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में काफ़ी लूट हो रही है, डॉक्टर अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो डॉक्टर त्रिपाठी नाराज भी होते थे हम लोगों पर कि नहीं नहीं ये ठीक बात नहीं है, तो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज डॉक्टर त्रिपाठी अगर इस बात को कह रहे हैं कि बेहद भयानक स्थितियाँ हैं सरकारी और प्राइवेट में, तो वास्तव में बड़ी भयानक स्थितियाँ हैं, क्योंकि डॉक्टर त्रिपाठी कोई साधारण डॉक्टर या साधारण इंसान नहीं है। वो उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश का मेडिकल महकमा उन्होंने पूरी तरीके से चलाया है वर्षों तक, वो जान रहे हैं, उनका एक लंबा विशाल अनुभव है। तो निश्चित तौर पर अगर सुमित को अभी तक बंधक बनाकर रखे हुए हैं वो, तो इस पे कानपुर के जिला प्रशासन को, यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के CMO को कम से कम इस पर इंटरवीन करके देखना चाहिए कि सुमित जैसे कितने मरीज हैं जिनको बंधक बनाकर रखा गया है। ये अस्पताल है कि जेल है, ये कारागार है, क्या है सृष्टि? ये बड़ा सवाल उठता है कि सरकार का जो पैसा आ रहा है, मुख्यमंत्री सहोदय हैं वो, जनता की सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, एक पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, एक तरीके से सेवा को साधना मान रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, और जो इनका सिस्टम में जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या सरकार विरोधी नहीं है? क्या ये शासन सत्ता को बदनाम करने की साजिश नहीं है? मेरा खुला आरोप है कि ऐसे अधिकारी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, शासन सत्ता को बदनाम कर रहे हैं वो, जो चाहे कहीं के जिलाधिकारी हों, CMO हों, CMS हों, इनकी मिली भगत से स्थितियां जो बेहद भयानक और भयावह हो रही हैं। राजधानी लखनऊ की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, मेरठ से भी इसी तरह की खबरें आ रही, आगरा जो एक तरीके से बहुत ही पेशेंट वहां आ रहे हैं, तो वहां पेशेंट हालांकि कम है लेकिन स्थितियां बड़ी भयावह हैं। तो मुझे लगता है कि स्थितियां पर काबू करने के लिए बिल्कुल सख्त कदम, जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि सख्त कदम अगर उठाएंगे तभी कुछ होने वाला है, और सख्त कदम केवल अब जुबान से उठाने की जरूरत नहीं है,
अब सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए। मुझे लगता है एक दो जिलाधिकारी, एक दो सीएमओ सस्पेंड होने चाहिए अब। बिल्कुल जी। हमारे साथ आशु खान जुड़े हुए हैं, सहयोगी हैं मुरादाबाद से। आशु, जिस तरीके से अभी मुरादाबाद की तस्वीरें देखने को मिली, कोविड हॉस्पिटल से बैंक मैनेजर सुसाइड कर लेता है और परिवार वालों का आरोप है कि उससे थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया था कि वो फिलहाल ठीक है, अचानक से सुसाइड की खबर सामने आ जाती है। लगातार मामले कोविड हॉस्पिटल के सामने आ रहे हैं, खास करके सुसाइड हो रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग कवरेज के लिए वहां जाते हैं तो उन्हें वहीं गेट पे रोक दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अगर सिक्योरिटी कवरेज हम करने जाते हैं वहाँ रोकने के लिए तैयार है, तो कोविड हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज है उनकी सिक्योरिटी के लिए वो गार्ड्स कहाँ है, वहाँ कहाँ चले जाते हैं उस समय जब वो सुसाइड कर रहे हैं, और लगातार ये सुसाइड हो रहा है। इससे पहले भी एक महिला ने मेडिकल कॉलेज से बाइक से कूद कर सुसाइड किया, इससे पहले भी सुसाइड किया, और इससे पहले कोविड हॉस्पिटल टीएमयू को जो है गंदगी का जो वीडियो वायरल हुआ था वो देखने लायक था, कैसे गंदगी थी उस वार्ड में, वहां के खुद वीडियो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज था उसने वहां से वीडियो वायरल किया था और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे उसी कमरे से और बता रहे थे स्थिति के अपने बारे में कि क्या स्थिति है, मगर प्रशासन जो यहाँ का मुर्दाबाद का सोया हुआ है, इसमें यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, ऐसा समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या कारण है, टीएमयू क्यों सुसाइड हो रहा है, क्योंकि मुरादाबाद में तो और भी कोविड हॉस्पिटल है उसमें भी मरीज भर्ती किए जा रहे हैं मगर वहाँ कोई की खबर नहीं आ रही। एक ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जहाँ ज्यादातर सुसाइड है, कोरोना पॉजिटिव सुसाइड कर रहा है, इससे पहले भी सुसाइड कर रहा है, ऐसा क्या कारण है प्रशासन भी इसमें नहीं बता पा रहा है, और जो स्टाफ है वहाँ का मेडिकल स्टाफ है उससे बात करने की कोशिश करते हैं वो भी हमें कुछ जानकारी नहीं देते हैं, प्रशासन भी हमें जानकारी नहीं देते हैं। मैं रोकना चाहूंगी और सीधे हम आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद है, कोरोना को लेकर के अहम बैठक यहाँ पर वो करने वाले हैं, और जिस तरीके से लगातार बनारस से शिकायतें मिल रही थी कोरोना को लेकर के व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक नहीं है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे हैं, एक अहम बैठक वो यहाँ पर जिलाधिकारियों के साथ करेंगे और उनको दिशा निर्देश भी देंगे। तो वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं, कोरोना के जो हालात हैं इस समय वाराणसी से। एक और तस्वीरें आपको हमने खबर बताई थी जहां पर एक युवक ने सुसाइड कर लिया था कोविड अस्पताल में, तो इसको लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही थी, व्यवस्थाओं के बारे में शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहुंची, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस गए हैं, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वो गए हैं, कोविड को लेकर के वो बैठक भी करेंगे, जिलाधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि जो शिकायतें मिल रही हैं उसको लेकर के वो दिशा निर्देश देने गए हैं, और उन बारीकी से उनकी जांच करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कोविड 19 को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में बैठक करेंगे, ये बैठक चल रही है, काशी दौरे पर है, तो कोविड 19 को लेकर के ये अहम बैठक चल रही, क्योंकि लगातार वाराणसी से शिकायतें मिल रही थी कोविड को लेकर के, जिस तरीके से व्यवस्थाओं के बारे में बात की जा रही थी कि इलाज अच्छे से नहीं मिल रहा है, तभी एक युवक ने सुसाइड भी कर लिया था, दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों का चेकअप नहीं किया जाता है, डॉक्टर टाइम पर नहीं आते हैं, खाने की व्यवस्थाएं नहीं होती, कई सारी शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से के पास पहुंचती है, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पर इस समय मौजूद हैं, कोविड को लेकर एक अहम बैठक उनकी तरफ से की जा रही है, तमाम दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जाएंगे किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। तो लाइव तस्वीर आपको हम ये वाराणसी दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद कैफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद कैफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से लगातार उनको शिकायतें मिल रही थी कोविड 19 को लेकर के व्यवस्थाओं के बारे में, आज उसको लेकर के एक अहम बैठक करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे, इस कोरोना महामारी के बीच उन्होंने बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस में बैठक की थी, और उस दौरान जिस तरह से शिकायत मिल रही थी कि जो बीएचयू की व्यवस्थाएं वो पूरी तरह चरमराई हुई है, कहीं कोविड मरीज कोरोना संक्रमित जो मरीज है वो भाग जाते हैं, कभी कोई अस्पताल के छत पर से कूद के जान दे देता है, तो इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन
व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पहले भी चरमराई हुई थी और आज फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे अपने दो दिवसीय दौरे पर। उन्होंने सबसे पहले बैठक जो है बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस में की है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जो कोरोना की स्थिति जो वाराणसी बिगड़ी हुई उसे लेकर उन्होंने बैठक की है। उसमें जो भी दिशा निर्देश अधिकारियों को वो देंगे वो हालांकि बाद में सामने आएगी, लेकिन इसके पहले जो उन्होंने बैठक की थी उसमें भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया था अधिकारियों को कि कोरोना के मरीजों के साथ किसी तरह खिलवाड़ ना हो, उनकी देखरेख में कोई किसी तरह की लापरवाही ना हो। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा था कि जो तस्वीरें जो फोटो जो वीडियो वायरल हो रहे थे अस्पतालों को वो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लाइव तस्वीरें आपको हम वाराणसी से दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। अहम बैठक आज ये कोविड 19 को लेकर के हो रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वीडियो सामने आ रहे थे, तस्वीरें सामने आ रही थी कि कोविड अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, लगातार शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच रही थी व्यवस्थाओं के बारे में, इलाज अच्छे से नहीं हो रहा था, जिसको लेकर के एक मरीज ने सुसाइड भी कर लिया था। तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मरीज को सुसाइड तक करना पड़ जाता है। और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके, एक अहम बैठक उनकी तरफ से कोविड 19 को लेकर के की जा रही है। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अब दर्शकों को, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वाराणसी के सारे अधिकारी मौजूद हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री को ये बताया गया था कि वाराणसी में हालात ठीक नहीं हैं, एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं। सरकारी अस्पतालों में बीएचयू का अस्पताल हो या अन्य अस्पताल हो, उनमें स्थितियां वहां भी अच्छी स्थितियां नहीं हैं, और प्राइवेट अस्पताल तो लूट घसोट कर रहे हैं, जनता को त्रस्त कर रहे हैं। इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से वादा किया था कि शीघ्र ही 2-4 दिन में वो खुद बनारस आकर चीज़ों को देखेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं, बैठक कर रहे हैं। शाम 5 बजे ही वो वहां पहुंच गए थे, उस बैठ के कर रहे हैं। और ये बैठक जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, स्पेशली कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सैंपल टेस्टिंग को लेकर एक चार्ट लगाया गया है कि कितनी सैंपल टेस्टिंग हो रही है, क्या हो रही है, एक एक बात पर। वो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के जहन में वो सारी चीज़ें होंगी, वो सारी बातें होंगी जो हाल में वहाँ बनारस में घटी हैं। तो अब जो एक तस्वीर दिख रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जिस तरीके से जो सिस्टम है, अगर सिस्टम का फेल्योर कोरोना में हो रहा है जैसा कि नज़र आ रहा है कई जगह, तो क्या फिर मुख्यमंत्री को इसी तरह हर मंडल पर जाना पड़ेगा? और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि योगी जी लगातार जनता की सेवा के लिए लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। और वो पहले भी जब लोग घरों में आइसोलेट थे, शासन सत्ता के लोग निकलना पसंद नहीं करते थे, तब मुख्यमंत्री प्रवासी भारतीयों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, जो प्रवासी हमारे मजदूर हैं भाई थे, उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए वो दिन रात एक किए हुए थे। तो मुख्यमंत्री बेहद संजीदा हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन वही सारी बातें हैं कि अब एक कड़ा संदेश देना पड़ेगा। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि बनारस की धरती से, काशी से मुख्यमंत्री कोई कड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की जो सिस्टम के लोग हैं उनको देंगे। जी बिल्कुल दुर्गेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतर्क नजर आ रहे हैं। टीम 11 के साथ भी वो लगातार बैठक करते रहते हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। जिस तरीके से उनको बनारस की जो शिकायतें मिली कि इस समय हालात अच्छे नहीं है, अगर कुछ जल्दी से फैसला नहीं लिया गया तो और भी चिंताजनक स्थिति सामने आ सकती है, क्योंकि हर जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, मरीज सुसाइड कर लेते हैं, जो तनाव उनके मन में इस समय चल रहा है काफी चिंताजनक है। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड 19 को लेकर के सतर्क नजर आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं इस समय जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, कोविड 19 का जो इलाज नहीं मिल रहा है, रामा डेंटल की आपको तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से वहां पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, दवाइयां नहीं उपलब्ध होती है मरीजों को, साथ ही साथ खाने का खराब खाना उनको उपलब्ध करवाया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको बंधक बना लिया जाएगा, ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, वो भी अपनी राय रख रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति उनके सामने देखने को मिलती है। हमारे साथ
डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से समय हालात बने हुए हैं कोविड को लेकर के, चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, अगर वैक्सीन की बात की जाए तो ये जानकारी सामने आ रही है कि थर्ड स्टेज पर पहुंच चुकी है वैक्सीन, कब तक खुशखबरी मिल सकती है? समय जो हालात बने हुए, सबके मन में चिंता है कब तक वैक्सीन आएगी, तो थर्ड स्टेज अब पहुंच चुकी है जो इस समय वैक्सीन का है, हमें ये जानकारी मिल रही है, तो कब तक खुशखबरी मिल सकती है? कोविड 19 की वैक्सीन दुनिया भर में बनाई जा रही है और दुनिया भर के जो देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, चाइना है, रसिया है और जापान है, ये सब हमारा देश भी, हमारे देश की करीब 6 कंपनियां उसमें बता दूं, और जिस दो वैक्सीन से मैं जुड़ा हूं, एक तो ICMR की वैक्सीन है जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल बना रही है, उससे मैं कानपुर में जो हमारा साइट है सेंटर, मैं बताऊंगा नहीं, कानपुर में है, आर नगर में है, लेकिन अभी नाम नहीं बताऊंगा, मैं उसके साथ ही उसका को इन्वेस्टिगेटर भी हूं, और हमने सेकंड स्टेज के डोज दे दिया है। इसके बाद उसको टेस्टिंग के लिए पूना जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहां सैंपल भेज दिया है, और सुखद बात यह है कि जितने वॉलंटियर थे हमारे करीब 38 वॉलंटियर थे, किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, और पहली स्टेज लगाने के बाद उनका जो एंटीबॉडीज बनी है कोविड कोरोना के खिलाफ वो बहुत अच्छा रिस्पांस है, और सेकंड स्टेज जो हमने वैक्सीन लगाई जो बूस्टर डोज उसका सैंपल लेकर के पूना भेज दिया गया है, और कितनी एंटीबॉडीज एक बूस्टर के बाद बनेगी वो है। दूसरी हमारी जायडस कैडिला, ये अहमदाबाद की कंपनी है, उसका भी हमने फर्स्ट जो उसका स्टेज 1 और 2 उसको चालू कर दिया है यहाँ पे, वो भी इसी आर नगर के एक अस्पताल प्राइवेट में है जो ICMR द्वारा चयनित और पूर्ण रूप से सज्जित है, और वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं हम, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है, उसमें करीब करीब 33 वॉलंटियर्स जो हमने चुने थे उनको एक डोज लग गई है, दूसरी डोज मैं इसी अभी एक सप्ताह के बाद लगाऊंगा, उसमें भी एक आध पेशेंट को खुजली या कोई शिकायत हुई, अदरवाइज कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं मिला है। अगेन ये सुखद है और बहुत ही क्या कहें कि आशाजनित है, और हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक हम ये वैक्सीन जनता को या उपलब्ध कराने में सफल होंगे, जो हमारी कंपनियां खासकर ICMR की जो वैक्सीन है, ये कोविड वैक्सीन जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड बेंगलोर द्वारा कंपनी द्वारा जो बनाई गई है, जिसका ट्रायल हम कानपुर में कर रहे हैं, उसमें भी बहुत हम लोग होपफुल हैं, आशान्वित हैं, और वैक्सीन आने के बाद जब ये लगाई जाएगी तो इसके कंट्रोल में हमें बहुत मदद मिलेगी, दुनिया भर से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जी। आशु खान, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मुरादाबाद की तस्वीरें हमारे सामने आई, बात की जाती है व्यवस्थाओं की, और मिनी लॉकडाउन भी रखा जा रहा है सैटरडे संडे को, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक करी, सख्त निर्देश उन्होंने दे दिए हैं कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया जाए, डोर टू डोर जो सर्वे होता है उसकी बात की जाती है, कहां तक ये सब पहुंचते हैं, कहां पर डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? तो उसमें तो कोई भी ऐसा लॉकडाउन का पालन करता हुआ हमें कोई नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और डोर टू डोर की बात तो बहुत दूर की बात रही, बिल्कुल भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मुरादाबाद में। लॉकडाउन में लोग आराम से अपने सड़कों पर घूम रहे हैं, जो शॉप है मार्केट कुछ वो भी खोल रखी है लोगों ने, प्रशासन कोई इसमें सख्ती करता नजर नहीं आ रहा है, लोग अपनी मर्जी से कहीं पर भी घूम रहे हैं, जबकि लगातार कोरोना के मरीज मुरादाबाद में बढ़ते जा रहे हैं, और आप व्यवस्था देख सकते हैं जो लगातार मुरादाबाद में कोविड हॉस्पिटल के जो वीडियो गंदगी के वायरल हो रहे हैं आप सब जान सकते हैं, और TMU हॉस्पिटल की जो स्थिति है इस वक्त वो जनता के बीच जो एक खौफ सा बन गया है, अब मरीज जो है TMU हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता,
सबसे बड़ी स्थिति का ये कारण है क्योंकि लगातार उसमें सुसाइड हो रहे हैं। और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी भी है, टीएमयू, उसमें छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। इससे पहले भी वहाँ छात्र छात्राओं की जो है सुसाइड हो चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासन ने कोविड हॉस्पिटल वहीं क्यों बनाया, सबसे बड़ा सवाल ये होता है, सवाल ये खड़ा होता है कोविड हॉस्पिटल वहां बनाने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि और भी हॉस्पिटल मुरादाबाद में है और लगातार वहाँ सुसाइड हो रहे हैं, उसके बाद भी टीएमयू हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में बनाया गया। अब डॉक्टर्स ने भी वहाँ कूद कर सुसाइड किया है टीएमयू से, उसके बाद भी प्रशासन बोलने को तैयार नहीं है। मेडिकल जो लापरवाही यहाँ पर साफ देखने को मिलती है, नियम तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनका पालन अच्छे से नहीं करवाया जाता है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे पास समय काफी कम है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से समय तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं जो कोविड 19 के मरीज होते हैं, काउंसलिंग की काफी जरूरत होती है उनको, और इस समय जो हालात चल रहे हैं लोगों के मन में भी काफी तनाव हो चुका है। जाते जाते आपकी तरफ से एक आखिरी कमेंट। बिल्कुल आपने सही कहा, लोग भयभीत हैं, लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। आप देखिए वो पॉजिटिव आते हैं और चूंकि जब से होम आइसोलेशन की सुविधा सरकार ने दी है तब से ये जो ज्यादातर लोग हैं वो अपने घरों में रह करके स्वयं डॉक्टर बन जाते हैं और डॉक्टरों के जो हमारी किट है आइवरमेक्टिन या और दवाएं हैं उनका ठीक से सेवन नहीं कर रहे हैं। और पल्स ऑक्सीमीटर से जो ऑक्सीजन का लेवल है, मैं दर्शकों को बता दूं, जो भी दर्शक देख रहे हैं के न्यूज के सम्मानित दर्शक, कि अब जो भी पॉजिटिव आते हैं वो घर में आइसोलेशन में है या कहीं है, वो पल्स ऑक्सीमीटर से अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नापते रहे और अगर ये ऑक्सीजन जो ब्लड में पल्स ऑक्सीमीटर से 94-93 या इससे कम जाती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, वो घर में चिकित्सा ना करें, घर में ना बैठे रहें। क्योंकि बड़ी विडंबना है कि अस्पतालों में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है तब भी। और इसमें एक और कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, मैं दर्शकों को बता दूं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। मैडम बड़ी विचित्र बात है, इसको कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन कम है तब भी जो व्यक्ति है पॉजिटिव व्यक्ति है वो खुश रहता है, उसको पता ही नहीं लगता। और यही ऑक्सीजन लेवल जब 60 हो जाता, 55-70 हो जाता है तो वो अस्पताल भागते हैं और तब तक देर हो जाती है। तो मेरा अपने के न्यूज के सुधी दर्शकों से ही अपील है, निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी पॉजिटिव हो उनके घर में या संपर्क में होम आइसोलेशन में, कृपया वो पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल नापते रहें और अगर ये 93-92 आता है तो तुरंत अस्पताल में जाके भर्ती हो। किंतु जैसा कि मैडम ने कहा, हम सुन रहे देख रहे हैं लेकिन इतना डरने की बात नहीं, कुछ अस्पतालों में ये शिकायतें मिली हैं लेकिन अस्पताल जरूर जाएं, खास तौर से सरकारी अस्पताल। जी वीएन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशु खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद कैफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दुर्गेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो बात कर रहे थे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, जिस तरीके से तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाते चले जा रहे हैं, हर जगह से ये तस्वीरें आ रही है, चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है कि इस समय हॉस्पिटल की क्या कुछ स्थिति है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा और अगर आज इसको लेकर के कार्रवाई नहीं की गई तो आगे चल करके स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बन जाएगी। सुबह बोलेगा, मैं फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।